स्वागत है मेरे YouTube चैनल अनप्लांट्रीज पे और मैं हूँ राहुल कोटा राजस्थान से ही। आज हम आए कोटा दशहरा मैदान में। विजय श्री रंगमंच हमारे जस्ट पीछे है और इसी के पीछे खड़ा होगा हमारा रावण। इस साल का 2022 का रावण जो होगा वो यहीं पे खड़ा होगा और यहीं पे दहन होगा इसका। आज वीडियो बनाने का जो मकसद था वो कुछ डिफरेंट था, क्योंकि मेरे जो मेरा पिछले वीडियो था, अगर आपने नहीं देखा तो आई बटन में अभी आ गया होगा इस साइड, तो उसमें कई लोगों ने मेरे को पर्सनली मैसेज भी किए हैं और ब्लॉग में भी कमेंट किए कि भैया आपने ना रावण तो बना दिया, उसका पर वॉक थ्रू नहीं कराया इस बार मेले का, कि किस टाइप का मेला होने वाला है, किस टाइप के झूले लगने वाले हैं, दुकानें किस टाइप की होगी। तो आज हम उसी को करने आए थे कवर, पर हुआ क्या ना, मैं हम गाड़ी लेकर के जैसे एंट्री करी तो हमेशा की तरह हम उसी जगह अपनी गाड़ी पार करते हैं उस डोम के पास में जहाँ रावण बन रहा है, और वहाँ पे जैसे ही गाड़ी खड़ी करी तो मैंने ऐसे ही जस्ट जाकर के देखा किस टाइप का रावण बन रहा है। इतना ज़बरदस्त हो चुका है रावण हमारा, मज़ा आ रहा है उसे देख करके। इस बार का रावण वाकई में नेक्स्ट लेवल होने वाला है, तो अभी हम वहाँ जाएंगे और थोड़ा सा क्लिप आपको दिखाएंगे। पिछले वीडियो में जो दिखाया था उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ उसका एक बेसिक स्ट्रक्चर खड़ा हुआ था, और इस बार जो है पूरा रावण ऑलमोस्ट कम्प्लीट हो चुका है। उसका प्रोसेस 90% मैं बोलूँगा कम्प्लीट हो गया, उसको मैं अभी से देख पा रहा हूँ। इतनी शानदार ग्राफिक्स वगैरह लग चुकी है उस पर, कलरिंग हो चुकी है, ड्रेस वगैरह पहना दी गई है, सारा कुछ कम्प्लीट है। तो थोड़ा सा उसको दिखाएंगे, उसके बाद पूरा आज मेला दिखाएंगे आपको कहां पे क्या चीज होने वाली है लाइक। तो आज हम करने वाले पूरा का पूरा मेला एक्सप्लोर, और दो साल पहले जैसा कि मेला भरता था वो उससे काफी डिफरेंट होने वाला है इस बार का मेला, क्योंकि दिल्ली के प्रगति मैदान की तरह इस बार हमारे कोटा शहर का जो दशहरा मैदान है उसको पूरा डेवलप किया गया है, और काफी अच्छी अच्छी सड़कें बना दी गई है देखिए, और पीछे पूरा देख सकते हैं विजय श्री रंगमंच एकदम शानदार हो चुका है। यहाँ पे रेलिंग वगैरह लगा दी गई, पहले भी लगती थी पर पहले लकड़ियों की लगा करती थी, अब लोहे की हो चुकी है। और तो इस बार जो है पूरे मेले को सेक्टर वाइज में बांटा हुआ है कि इस जोन में ये चीज़ें रहेगी, इस जोन में ये चीज़ें रहेगी। तो आज हम बताने वाले हैं कि झूला मार्केट किस साइड होगा, फूड कोर्ट किस साइड होगा, खिलौना मार्केट किस साइड होने वाला है, शॉपिंग अगर आपको करनी तो किस साइड होगी, प्रदर्शनी किस साइड लगेगी, वो सारा आज इस ब्लॉग के अंदर कम्प्लीटली हम कवर करने वाले हैं। उससे पहले अब चलने वाले हैं हम उस डोम के अंदर वापस से, क्योंकि कारीगरों ने जिन्होंने ये रावण बनाया है उनका काम हो चुका है फिनिश ऑलमोस्ट, और इसके बाद जो काम चालू होगा वो होगा शोरगरों का। शोरगर मतलब जो कि इसके अंदर फटाके लगाने वाले हैं, और मेरे पास एक कमेंट भी आया था कि भैया इस बार फटाके होंगे, बिल्कुल होंगे, मैंने अभी हाल बात की उनसे, उनका 100% फटाके होंगे, क्योंकि उसके बिना रावण अधूरा है। इससे पहले वाला जो ब्लॉग था उसके अंदर ऑलमोस्ट हमारे पास 2000 करीब व्यू हो चुके हैं और सब्सक्राइबर काउंट भी बढ़ रहे हैं, माना इस बात को, पर मैं ये सोच रहा था कि अगर 5 तारीख से पहले अगर हमारे 1000 सब्सक्राइबर हो जाते हैं तो यूट्यूब की तरफ से हमारे को लाइव जाने का मौका मिलेगा, और हम कोशिश करेंगे उस दिन कि आपको लाइव रावण दहन दिखाएं। अगर आप चाहते हो लाइव रावण दहन देखना तो प्लीज इसको सब्सक्राइब करें ताकि 1000 सब्सक्राइब जल्दी से जल्दी पूरे हो 5 तारीख से पहले, उसके बाद हम लाइव आएंगे, कोशिश करेंगे कि उस दिन बहुत ज्यादा भीड़ होगी यहाँ पे। चलिए अब चलते हैं डोम के अंदर, देखते हैं वहां की प्रिपरेशन कितनी हो चुकी है, उसके बाद पूरा दर्शन कराने वाले हैं आपको मेले का, चलिए चलते हैं। तो फाइनली आ चुके हैं डोम के अंदर, और यहाँ पे रखा है अभी रावण का पेड़। उस दिन अपन ने देखा था जब इस भूरे कलर का था, अभी देखो ब्लैक कलर का हो चुका है, ब्लैक और ब्राउन इसका पेड़ हो चुका है, और साथ में ये है कुंभकर्ण और मेघनाथ के चेस्ट, जैसे कि दिख रहा पीछे है येलो, उधर है ऑरेंज दोनों साइड से। इस वाले पार्ट को हम जल्दी जल्दी कवर करेंगे क्योंकि हम पहले दिखा चुके हैं। फाइनली रावण की शक्ल जो है पूरी दिखने लगी है, क्योंकि पिछले वाले वीडियो में जो दिखाया था उसके अंदर ये सीन था कि वो पूरा लकड़ी का बना हुआ था तो समझ में थोड़ा कम आ रहा था, अभी देखिए पूरा कलर वगैरह हो चुका है और आईज और थोड़ा मुंह पे काम चल रहा है, क्योंकि ये मूवमेंट करेंगे इस बार इसलिए इनको अभी कंप्लीट नहीं किया गया है। और ये है मेघनाथ का चेस्ट, ये जो है ये है मेघनाथ का चेहरा, और ये है रावण का पूरा इतना बड़ा धड़, ये दिखेगा भी नहीं कैमरे के अंदर क्योंकि ऑलरेडी थोड़ा डार्कनेस हो रखी है और ऊपर से काला हो रहा है। इस बार ब्लैक और गोल्डन का जो मिक्स है उसके इसकी शील्ड बनेगी, मतलब जो कहते हैं चेस्ट वो बनाई जा रही है। और ये है कुंभकर्ण का चेहरा, देख ही सकते हो आप मेरे पीछे, इनमें पिछली बार कलर नहीं था, इस बार देखो पूरा कलर है, और इसी का जो चेस्ट है वो बाहर रखा हुआ है।
तो ये मैंने अभी वापस से आपको दिखाई दिया, ये कुछ है अभी तक का रावण का पूरा अपडेट। इसमें अभी 10-20% और बच रहा है, जो कि मुझे लगता है कि 3-4 दिन के अंदर कंप्लीट हो जाएगा। और अभी थोड़ी देर पहले बात हुई तो बोल रहे थे 4 या 5 तारीख को ही खड़ा कर देंगे, गवर्नमेंट जिस भी तारीख को बोलेगी खड़ा कर देंगे। कोशिश करेंगे उस दिन भी आकर के इसको कवर करने की। और अब आपको टूर कराते हैं पूरे दशहरा मैदान का कि कहाँ पे क्या लगने वाला है। चलिए चल, तो हम करने वाले हैं बाइक पे टूर, बाइक लेकर के आए हैं, हम उस बाइक से घूमेंगे और आपको चलते वक्त बताएंगे, क्योंकि काफ़ी बड़ा बना है इस बार का, दिखने में छोटा सा। अब हम एंट्री करेंगे मेन गेट से ताकि आपको पूरा कन्फर्म पता चल जाए किस जगह क्या लगने वाला है। तो चलिए चलते हैं बाइक पे। अब तो वीडियो चालू करने से पहले बता देता हूँ, ये है नगर निगम की बिल्डिंग और अभी हम खड़े हैं गेट नंबर 5 पे, इससे भी हम एंट्री करने वाले हैं। और अभी हम बताने वाले हैं यहाँ पे जो ये मेरे सामने जो दिख रहा है आपको, यहाँ पे लगने वाला है, ये पूरा होने वाला है इस बार का फूड कोर्ट। इस टाइप के डोम बना दिए गए हैं ऊपर की साइड, और यहीं पे होगा पाठक वगैरह, इस टाइप के सारे जो जितनी भी दुकानें वो सब यहीं पे लगने वाली, पाठक की और भी उससे रिलेटेड जितनी भी दुकानें होगी। तो यहाँ पे होने वाला है खाने से रिलेटेड सारा कार्यक्रम। अब आप इससे सीधा जाओगे तो मेरे लेफ्ट हैंड साइड पे जो है वो है विजय श्री रंगमंच, यहीं पे जलेगा हमारा रावण, और सारी पब्लिक जितनी भी है वो सब यहीं पे खड़ी मिलेगी आपको। तो ये जो मेरे सामने ये विजय श्री रंगमंच, यहाँ पे होगा हमारा रावण दहन, और यहाँ पे रहेगी बहुत सारी जनता पूरी भरी हुई रहेगी ऑलमोस्ट। और अभी हम जहाँ वहाँ पे थे अभी थोड़ी देर पहले, वहाँ पे है पूरा खाने का लाइक पाठक वगैरह ये सब वहीं पे रहने वाले हैं। और वहाँ हमारे जस्ट पीछे वहाँ पे रावण बन रहा है। और विजय श्री रंगमंच से होते हुए हम जब सीधे निकलेंगे तो हम निकल जाएंगे खिलौना मार्केट। तो चलिए चलते खिलौना मार्केट की साइड। ये जो जितना भी दिख रहा है ये सब होगा खिलौना मार्केट, ये होने वाला है पूरा खिलौना मार्केट। इससे जैसे हम साइड में होंगे तो जूस सेंटर आ चुका है अभी से ही, दो भाई जूस सेंटर। और जो ये पीछे का एरिया दिख रहा है, ये जितना भी दिख रहा है आपको, ये सारा होगा हैंडलूम से रिलेटेड, कपड़े वगैरह मिलेंगे यहाँ पे। और अभी से और आगे चलते हैं अपन, ये सारा सब कपड़ों से रिलेटेड है पूरा। तो क्लॉथ मार्केट से निकल के अब हम जा रहे हैं सॉफ्टी मार्केट, और उसके बाद जाएंगे हम झूला मार्केट। तो यहाँ जो ये पूरी लाइन दिख रही है यहाँ पे लगेगी हमारी सॉफ्टी से रिलेटेड जितनी भी दुकानें वो सब, और लोकल जो मार्केट लगेगा लाइक पानी पताशे, भेलपुरी और टिकिया वगैरह, वो सारे अभी से ठेले वगैरह आ चुके हैं। और इसके जस्ट जो सामने देख रहे हो वहाँ आपको दिख ही रहा होगा वो है हमारा झूला मार्केट। अभी हम झूला मार्केट की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं हम। तो फाइनली हम पहुँच चुके हैं मेन लोकेशन पे, क्योंकि कोटा की जनता हो चाहे कहीं की जनता हो, सबसे ज़्यादा जो आती है वो आती है झूले मार्केट में। तो फाइनली हम आ चुके हैं झूला मार्केट, और मेरे पीछे देख रहे हो झूले और काफ़ी ज़्यादा स्टार्ट हो चुके हैं, कईयों ने तो अपना सेटअप जमा भी लिया और कुछ चल भी रहा है। ये देखिए अभी यहाँ पे डेंटिंग पेंटिंग वगैरह हो रही है, उधर अभी मचान वगैरह बन रहे हैं। 5 तारीख से पहले पूरा झूला मार्केट कंप्लीट हो जाएगा, आई होप सो। और ये जो बड़ा डॉलर बोलते हैं इसे, ये भी कंप्लीट हो चुका है, देख ही रहे होंगे मेरे पीछे वहाँ पे वो पूरा, साथ में ब्रेक डांस और ये साथ में लग रहा है कोलंबस, ये तीनों तो तैयार हो चुके हैं। टोरो कोलंबस डॉलर और ब्रेक डांस ये तीनों लग चुके हैं, अब चलते और आगे देख। और इस साइड लग चुका है ऑक्टोपस का पूरा सेटअप, और अभी जस्ट मेरे सामने है कोलंबस नाव, ये काफ़ी हाइट तक जाती है ये वाली नाव, अभी लगी रही इस साइड पूरी नावें लगेगी, एक लग चुकी है, दूसरे का सेटअप चल रहा है, इसी तरीके से 2-3 और नावें लगने वाली है। ये ड्रैगन ट्रेन, ये बच्चों के झूले भी चालू हो गए अभी से ही, ये देखो। और जो हमारे पीछे अभी यहीं पे या इसी के आसपास कहीं पे लगने वाला है हमारा जो फेमस APD का स्टॉल, जो कि काफ़ी लंबा चौड़ा होने वाला है, जो सबसे ज़्यादा शायद मेरे को लगता है रेवेन्यू इकट्ठा करता होगा इस पूरे दशहरा मैदान में। और भी काफ़ी सारे बड़े बड़े ब्रांड्स है लाइक APD हो गया, छोटी वाले भी आ सकते हैं, एक नसीराबाद का कचौड़ा, ये सब आने वाले हैं। तो ये कुछ था टूर, आपको पूरा मैंने दिखाई दिया कहाँ पे झूला मार्केट है, कहाँ पे खिलौना मार्केट है, कहाँ पे सॉफ्टी मार्केट लगने वाला है, कहाँ पे APD लगेगा, ये सारा आपको बता ही दिया। काफ़ी ज़्यादा लाइट डाउन हो चुकी है, और अभी हम अंदर जाने वाले श्री राम रंगमंच में, और अंदर से आपको दिखाने वाला किस तरीके का होने वाला है। तो चलिए चलते हैं। तो ऐसा कुछ होने वाला है श्री राम रंगमंच, और ये कुछ है यहाँ पे सारी एक्टिविटीज़ होगी। तो चलिए उस कोने में चलते हैं और वहाँ पे बात करते हैं, क्योंकि लोगों को डिस्टर्ब करने से कोई मतलब नहीं है, साइड में होकर के अपनी बात करते हैं। चलिए चल। तो पूरे मेले का टूर कराने के बाद अभी हम एंटर कर चुके हैं श्री राम रंगमंच में, डेली हो रही है यहाँ पे रामलीला, और इस रामलीला ख़त्म होने के बाद यहाँ, और जो अभी मेरे ये पीछे देख रहे हैं यहाँ पे होंगे कई सारे एक्टिविटीज़ लाइक वुशु होगा, कुश्ती दंगल होगा, और भी इस टाइप की एक्टिविटीज़ होगी। और जस्ट मेरे इस साइड, और अभी मेरी स्क्रीन पे एक चार्ट आ रहा होगा, उसमें पूरी एक्टिविटीज़ लिखी हुई है कि किस दिन क्या तारीख को क्या होने वाला है, वो आप देख लेना यहाँ पे पोस्ट करके। और इसके जो बाहर
जो हमने इसके पीछे जो दिखाया था विजय श्री रंगमंच, वहाँ पे कवाली होगी, वहाँ पे पंजाबी नाइट्स होगी और भी कई तरह की इस तरह की एक्टिविटीज वो सारी इसके बाहर होती है और स्पोर्ट्स टाइप की एक्टिविटीज जितनी भी होगी वो इस जगह होगी। तो ये कुछ था सीन। इस व्लॉग को भी पिछले व्लॉग की तरह प्यार दीजिएगा, क्योंकि अगर हमारे 1000 सब्सक्राइबर नहीं हो पाए तो उस दिन हम लाइव नहीं आ पाएंगे। आपको बताइए, यूट्यूब की पॉलिसी है कि 1000 सब्सक्राइबर होना कंपलसरी, तभी आप लाइव जा सकते हो। अगर आपको लाइव रावण दहन देखना है तो 1000 सब्सक्राइबर 5 तारीख से पहले करने होंगे। 350 सब्सक्राइबर बच रहे हैं, तो मैं कोटावासियों से उम्मीद करता हूँ और भी जनता जो कोटा से बाहर की देख रही है, आप प्लीज़ लाइक करके जाइए ताकि हम लाइव जा सके उस दिन। और बाकी ये कुछ था आज का व्लॉग, आई होप आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर अपने दोस्तों तक पहुंचाएं। तो मिलते हैं किसी इसी तरीके के व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। और ये फिर से आ गया, मेरी बात सुनो, अगर आप लाइक करते हैं तो हमें अप्रिसिएशन मिलता है, इसलिए लाइक करो। लाइक क्योंकि जनता एक लाइक तो बनता। चलिए।